अस्सलाम वालेकुम प्लांट लवर्स पे आप लोगों को वेलकम करता है आपका होस्ट आतिफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सीड ग्रोन कैक्टस। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं एस्ट्रोफाइटम के मैंने सीड्स उगाए थे अब से कुछ अर्से पहले, और ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। और इसमें आप एस्ट्रोफाइटम न्यूडम ऑर्नेटम और मायरास्टिग्मा के पव्स देख रहे हैं। साथ ही साथ ये भी मैंने आज से तकरीबन 1 साल पहले उगाए थे सीड्स, और अभी आहिस्ता आहिस्ता तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं और काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। ये अपनी ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट रखते हैं और ये डोरमेंट बहुत कम होता है, क्योंकि जो सीड्स होते हैं वो उनका कोई डोरमेंट सीज़न नहीं होता है। इनको मैंने पोरस मीडियम में उगाया हुआ है और इनको डिटेक्ट करूँगा मैं कुछ दिनों में, इनको अलग अलग गमलों में रखूँगा। ये भी आप देख सकते हैं मैंने सीड्स उगाए थे सारे एस्ट्रोफाइटम और मायरास्टिग्मा, ये आपको दिख रहा होगा हेमेटोकैक्टस सैटिस्पाइनस, तो मैंने सीड से उगाए हैं ये सारे कैक्टस। मैं आपको मज़ीद आगे भी दिखाता हूँ। तो अब ये देख सकते हैं कि ये सीड ग्रोन जो हैं वो प्लांट्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और इसमें एस्ट्रोफाइटम भी है, मेलोकैक्टस भी आपको दिख रहा है, ऑर्नेटम भी दिख रहा है आपको। उनका मीडियम आपने पोरस रखना है, बाकी ये तेज़ी से बढ़ते हैं, कोई ख़ास डिमांड नहीं होती है इनकी। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं प्लांट लवर्स पे एक्सक्लूसिवली, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।